हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आने वाले चंद हफ्तों के दौरान 7 दिसंबर को मुल्क के 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब होने वाला है, जिसकी तैयारी हर सियासी जमात जोशो खरोश से कर रही है। मजलिस की जानिब से भी आने वाले इंतखाबात के लिए मजलिस के नामजद उम्मीदवार अपनी जी जान लगा रहे हैं और चाहे रात हो या दिन दौरे करते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे अवाम में हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर दलित, हर किसी के लिए मजलिस एक समान है। हकीमपेट में वाक़े लिमरा होटल के करीब मजलिस की जानिब से एक जलसे का इंतखाब किया गया था, जिसमें रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, नामजद उम्मीदवार कौसर मुहिद्दीन ने अवाम से बात करते हुए तफसीलात बताई कि मजलिस की जानिब से कैसे अच्छे कारनामे किए गए हैं, जिससे अवाम को सहूलियात दस्तियाब हुई है। उन्होंने अवाम को ये तयक्कुन दिलाया है कि आने वाले इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसरे इख्तदार आती है तो अवाम के सारे मुतालिबे और मसाइल हल करने की कोशिश करेंगी। अब्दुल वाजिद के साथ मई शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। जयनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब पाशा भाई साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मरहूम सालार मिलत के साथ बेपनाह मोहब्बत करने वाले जयनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग जनाब इकबाल साहब, मेरे भाई जनाब राजेंद्र यादव साहब, अजीजान मिलत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, रियासत तेलंगाना का पहला असेंबली इंतखाब और पहला असेंबली इलेक्शन 7 दिसंबर के दिन पोलिंग का दिन है और एक नई रियासत बनकर 4.5 साल का अरसा हो चुका और उसके बाद ये मकसद ये है कि अगर कोई अलीमुद्दीन हो, कोई राजेंद्र हो, कोई रोहित बैगोला हो, कोई अंकित हो, उनके दिलों से खौफ ना रहे। कोई बच्चा आकर मुझसे ना कहे कि असदुद्दीन अवैसी मुझे डर लगता है, कोई नौजवान आकर मुझसे ना कहे कि मुझे डर लगता है, कोई हमारी मां और बहने हमको फोन करके ना कहे कि हमको डर लगता है। हम डर निकालना चाहते हैं, हम डर को खत्म करना चाहते हैं। और जब 4.5 साल में शहर हैदराबाद में तेलंगाना में कोई फसाद नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा हूं कि 4.5 साल में बहुत ही कम फोन आए हमारी माओ के जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे डर लगता है बेटा। किसी नौजवान के फोन आए जरूर, मगर किसी नौजवान ने नहीं कहा कि सर साहब हमको डर लगता है। इस डर को मिटाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्या हमने फिरका परस्ती को फरोग किया? नहीं किया मेरे भाई, हम फिरका परस्ती को फरोग नहीं किए ना कभी दे। हमारा मकसद क्या है कि मुसलमान हो, दलित हो, बीसी हो, ये तमाम मजलूम है, इन तमाम मजलूमों को मुत्तहिद करना। लोग मजलिस को फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस नफरत को फैलाती है। ख्वाबों का मेरा आशियाना खूब सजा हकीकत बना मलका फर्नीचर, फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज, फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल, हैदराबाद का शानदार पायदार मलका फर्नीचर। शहरे हैदराबाद में पहली बार मलका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में, महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में,
इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोहलपुरा, हैदराबाद।